क्या पेट्रोल नहीं है? अब क्या हो गया अपने? एक्सीलेटर टूट गया। हमारा जो गोप्रो था उसका जो माउंट था वो टूट चुका है। काम बहुत सारा पेंडिंग है, मतलब पैकिंग अभी तक बची है। प्रैक्टिकली क्या है कि हम इतने दिन से लद्दाख में थे तो सारा सामान इधर ही सेटल था। अगर हम कहीं भी जा रहे थे तो सारा सामान यहाँ पर छोड़ कर जा रहे थे, बट आज यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, तो इसलिए हमारे को ये सारी पैकिंग सॉर्टेड करनी पड़ रही है, क्योंकि अब सारा सामान हमारे साथ आगे ट्रैवल करने वाला है। ये हमारे सलीम की पैकिंग चल रही है। ये डिस्टर्ब मत कर मेरे को। मेरे को डिस्टर्ब नहीं, तेरा हो गया ना चल निकल। मेरे को नवीन ने नहीं हेल्प किया था तो अभी पैकिंग हो जाता, पर मैं आज सॉर्टेड पैकिंग सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ही लंबा ट्रैवल करना है। तेरे पास तो आर्ट है, तू क्या बोलता है? पैकिंग की आर्ट? पैकिंग एक आर्ट है, उसमें तेरा भाई स्मार्ट है। नवीन भाई। हाँ जी। कैसे क्या चल रहा है? आदान प्रदान। नवीन भाई मेरे इतने सामान को पैनियर में सेट करने में लगे हुए हैं, और हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होएगा। नवीन भाई ने मेरे को पता क्या बोला, कह रहे हम 25-25 बंदों का बैग टांग के लेके जाते होते हैं। मैं कह मेरे अकेले का तो सेटल करो फिर। शिंगे भी आ गया, क्या बात है। सुनो आपको परेशानी हो रही है सामान पैकिंग का? अरे हाँ यार, बहुत। ये बंदा हमारी हेल्प कर रहा है। मैं और सलीम जब से निकले थे तब से ये सामान कहाँ तक था? हाँ मतलब यहाँ तक आता था, यहाँ तक आता था, कहाँ तक इस टंकी में स्क्रैच ले आए थे। और हम कह रहे थे 3-3 बंजी कॉर्ड हमारे को कम पड़ रही है। नवीन भाई मैं ज्यादा, क्योंकि मैंने जो पैकिंग किया था उसमें भी 200 हो जाता था, लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। लेकिन ये एक्सपर्ट है ना नवीन, ये एक्सपर्ट भाई क्या किया है, मतलब बोलते रहा हूँ हीरो है इस ट्रिप के भाई। बैठ एक बार मेरी सीट पे। सही है यार, अब टीका लगा, टीका वगैरह लगाना है तो मस्त टीका लगा के तो आराम से चला सकता है, बैक रेस ले सकता है। और ये सलीम की क्या प्यारी पैकिंग है, 18-20 लाख रुपए भी तो लगाए है ना। लगाए भाई, पैसे लगाने के बाद इतना बनता है? नहीं यार, हर बार पैसे लगाने के बाद चीजें सही नहीं होती, जैसे कैमरे में पैसा लगा। आज इसका कैमरा थोड़ा सा बोल गया, खराब हो गया थोड़ा सा, पर ठीक है, देखते हैं अभी क्या सीन होता है, क्या तो पकड़ ले वो सही, जैसे उसने छोड़ा है वैसे पकड़ भी लेगा। ट्रिप शुरू करने से पहले हमारे साथ हो गया स्यापा। हमारा जो गोप्रो था उसका जो माउंट था वो टूट चुका है, और सलीम को जुगाड़ लगा रहा है टेप वेप से कि आपको मैं ठीक से दिखा पाऊँ। एंगल ना थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, मुझे लगता है एंगल का थोड़ा सा है। कर रहा है, तूने डायलॉग दिया, देखो सही क्या ही जुगाड़ लग रहा है। इसका बाप भी नहीं गिरेगा अभी। फिर सर जब भी कोई कांड होता है, स्टार्टिंग से तो सलीम कर रहा था, बीच में इमरान भाई आए, वापस इमरान भाई के जाते सलीम चालू हो गया। सजी नी बूटी लेके हनुमान वापस, हनुमान इज बैक। कौन सी दुनिया देखना चाहते हो आज? चल ठीक है, काम हो जाएगा। अभी सिर्फ एक ही गड़बड़ हुई है कि हमारे पास इसमें एक ही बैटरी लग सकती है, क्योंकि इसको हिलाना चार्ज है ना बैटरी। हाँ, बैटरी फुल चार्ज है, एक ही बैटरी यूज करना तो पूरे ट्रिप पे, अभी ये वाले ट्रिप पे। एक ही बैटरी 6 घंटे की ट्रिप पे। मेरे जो तूने टेप लगाई है ना अंदर से मेरी दाढ़ी पर चिपक रही है, कचर कचर कर रही हो। अभी यही है तेरा काम चलाने लायक चीज। हाँ ये देखो कैसा ही लग रहा हूँ आज। हमारे पास देख रहे हो कितनी जगह है, मतलब सुन के ही अच्छा लग रहा है, बैठ के अच्छा लग रहा है, पीठ भी लग रही है। वाह नवीन भाई थैंक यू। सबसे पहले जाना है जी पेट्रोल पंप, क्योंकि खारदुंगला से आते हुए हमने भरवाया नहीं था, और ई देख रहे हो कहाँ तक आ गया। और आज आपसे ज़्यादा बातें नहीं होएंगी, एक बैटरी है, 5-6 घंटे चलानी है, कैसे होएगा देखते हैं, मैनेज करते हैं। आज हम ये भी नहीं जानते कि आपको सामने के पहाड़ सही से फ्रेम में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, क्योंकि गोप्रो जो है वो थोड़ा सा नीचे करके टेप वेप लगा के बांधा हुआ है, और सीन वही है। और जो दूसरे लोग बोलते रहे सिंगे कभी बाइक पर बैठता नहीं, देख लो सिंगे अब बाइक पर बैठा हुआ है, बैठ के चला रहा है आज। क्या है, ये और नवीन दोनों करते हैं ट्रेलिंग, तो इनको जुप 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 करके निकलने की आदत है। ये है जी हॉल ऑफ फेम, आज रुक नहीं सकते कहीं पे भी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं, सारी चीज़ें आड़ी टेढ़ी हो गई हैं, और मैं हेलमेट का वाइजर भी पूरा बंद नहीं कर सकता क्योंकि टेप को उसके अंदर अंदर से लपेटा है ना, तो माइक में भी जब बात करूँगा तो मेरे को लग रहा है विंड आ रही होगी। और क्या हवाई जहाज उतर रहा है जी सामने, क्या पेट्रोल नहीं है? हमारे को यही नहीं समझ में आ रहा कि हमारी गाड़ियाँ चलेंगी या नहीं चलेंगी, अभी पेट्रोल इतना कम है, क्या ही गड़बड़ हो रही है जी। हाँ तो भगवान भरोसे चल रहे हैं, ना पेट्रोल है गाड़ी में, ना मेरी गाड़ी में है, ना सलीम की गाड़ी में, पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं पेट्रोल नहीं है, हम खुद कह रहे हैं पेट्रोल नहीं है। भाई प्लीज़ भरवा दो, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए, ये 250-300 किलो की गाड़ी कैसे खींचेंगे, वो भी इतना बैग लगा के और इतनी गर्मी में। पेट्रोल पंप पहुँच गए जी, सही है जी, टैंक फुल हो रहा है अब। तेरे को लगा था तो हम पेट्रोल पंप तक पहुंचेंगे? मुझे पहले तो नहीं लगा था, क्योंकि मेरे मतलब इमरजेंसी वाला पेट्रोल था। हाँ। मुझे मेरा पेट्रोल पूरा खाली हो चुका है। 1821 रुपये का पेट्रोल हो रहा है जिंदगी में पहली बार। क्या बात है। हाँ। मतलब टाइगर में मेरे को नहीं लगा था पहुंचेगा, जब आई थी रहा मेरे का भाई पहुँचा दो किसी तरीके से। अब क्या हो गया अपने,
एक्सीलेटर वायर टूट गया, तेरा कैमरा खराब, इनकी वायर खराब और एक शानदार का GoPro खराब। थोड़ा ये एक्सीलेटर वायर का प्रॉब्लम हुआ था, रास्ते में भी दिक्कत दे सकते हैं, पर अपने इंडिया वाले तो जुगाड़ करते थे। मेरे को ऐसा लग रहा है सही में कि हमारी ट्रिप भगवान भरोसे चल रही है। पेट्रोल भर गया जी, रेस की जो एक्सीलेटर वायर थी वो भी थोड़ी सही हो गई है, आई होप आगे जाके कोई गड़बड़ ना हो। और मेरे को जब आपसे बात करनी है और सामने का व्यू दिखाना है तो मेरे को थोड़ा सा हेलमेट ऐसे उठाना पड़ रहा है या मुंह ऊपर करना पड़ रहा है। हम बस यार वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जितनी होनी थी स्टार्टिंग में होगी, अब ऐसे कूल राइड होनी चाहिए क्योंकि अच्छा आज पंगे इसलिए हो रहे हैं, हमने आज पूछा ही नहीं जी कितना जी सारे बढ़िया आप हूँ बहुत बढ़िया, सारों की जितनी प्रॉब्लम होनी थी मेरे को लग रहा है हो चुकी है, आगे कोई दिक्कत ना आए, अब खुशी से हम आगे के नज़ारों का एंजॉय कर सकें। ये हमारा पहला स्टॉपेज था जहाँ पर था संगम, और संगम के लिए ना नवीन भाई स्टार हमारे आज की ट्रिप के, ये जो आ रहा है ये जंस्कार, ये जो आ रहा है ये है अपना इंडस। ओके, इसको सिंध नदी कहते हैं, और ये जो जा रहा है ये जा रहा है पाकिस्तान जी, देख लो हमारी तरफ से इंटरनेशनली भेजा जा रहा है, ले जाओ अपने को हमारे उधर के दोस्त दे रहे हैं चाइना वाले। कलर से आइडिया लगा लो, इंडस, जंस्कार, पाकिस्तान, चाइना। यहाँ पर लिखा जी आपकी यात्रा मंगलमय हो, और काफी लोग मैं लद्दाख में देख रहा हूँ जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, तो प्लीज हेलमेट लगा के रखे यार। गुरु ये बढ़िया गुरु खा के देखना है, पहले ब्रेक पे खाए जा रहे हैं समोसे। गुरु चटनी, आई लव दिस चटनी। अरे मैंने सिर्फ नॉर्मली कहा था आई लव दिस चटनी, मैंने ये सब नहीं किया था, आई लव दिस चटनी, आई लव दिस चटनी। हमारी राइड चल रही थी ठीक, पर सिंगे की वापस दिखा है वो उसका अपना वो ना एक्सीलेटर वायर फिर निकल गया, तो अब फिर हाथ से करके लाए, अब फिर लगाते हैं अंदर दोबारा, तो ये पहुँचा देगी, ये पूरे रास्ते ऐसे ही चलते हैं खींच खींच के जगह पहुँचना है हमारे, पहुँच जाएगी पहुँच जाएगी। ये तो होगी सिंगे की प्रॉब्लम, मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो तूने लगाया ना GoPro पे टेप, मेरे को पता नहीं लग रहा वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, भरोसा रख मेरे पे। नहीं नहीं भरोसा तो है, वो टेप जो लगी हुई है ना उसकी वजह से मेरे को दिख ही नहीं पा रहा, मैं साउंड ऐसे बटन दबा के साउंड का वेट करता हूँ, आई 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 बोल देता हूँ। एक लाइट जलती, लाइट भी बंद कर दिया मैंने, सभी बंद कर दिया, सिर्फ तूने वो सुराख छोड़ा है जिससे सिर्फ तुम ऐसे देख सकते हो वीडियो, सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए। बहन और भाइयों, बहन और भाइयों, अरे आराम से नस फट जाए। अब मिशन मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, हथियार दिखाए जाए हमारे, ये हमारा हथियार है, बारीक वाला काम है ये तो, हम इधर बड़ा ही ना सीरियस काम कर रहे हैं, पीछे पूनम कर रही है, ये टेलर है यहाँ पर। नहीं नहीं क्या बोला बता, सूट सिलवाना और वो देखो ये देख 47 मिनट्स ऑन था, जहाँ पर हम बैटरी बचाने की बात कर रहे थे वह बैटरी ड्रेन हो रही थी, हमें पता ही नहीं चला था। अच्छा वही ऑपरेशन किया गया, आजू बाजू है बहुत सारे पहाड़, तेरे भाई ने किया जो जुगाड़, हम लोगों ने पावर बैंक से ही इसको कनेक्शन दे दिया है, बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहेगी, जहाँ जहाँ रुकेंगे बस बैटरी चार्ज करनी है, थोड़ा 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 करके कहानी आगे बढ़ती रहेगी, कारवा बनते रहेगा। भी यही डक्ट टेप का जुगाड़ लगाया गया, अब आगे गड़बड़ ना हो, बाकी यहाँ से निकल रहे हैं। खाना वाना खा लिया हमने, पर गड़बड़ एक लग रही है कि वो जो समोसे खाए ना हमने वो थोड़ा पेट में ना उसने धमाके कर दिए, अब गड़बड़ ना हो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से है अभी 105 किलोमीटर और रास्ता जो है वो बहुत ही नैरो हो जाएगा, मतलब अराउंड 105 किलोमीटर चलने में हमारे को 3 घंटे लगेंगे, और थोड़ा सा नैरो रास्ता है इसलिए हॉर्न बजा बजा के हमारे को क्रॉस करना पड़ेगा। नवीन गया परमिट चेक कराने, ये हमारी वादियाँ और ये हमारे दोस्त, ऑल गुड मैन, ऑल गुड, थक गए हैं, बम दुख गया, बम दुख गया, बम मसाज ले रहा हूँ, जमीन बहुत गर्म हॉट मसाज चल रही है, हॉट मसाज, इधर ये देखो फुल रेस्ट हो रहा है, खतरनाक। हम दोनों जो है ना प्रैक्टिकली हम दोनों के पानी का कोई सोर्स नहीं है, ये सब ने तो पीछे वो लगाए हुए हैं बोतलें, तो हमारे को जाना है इस नदी के किनारे, तो हम जा रहे हैं इस साइड में क्योंकि यहाँ पर है फ्लैट। अमृता राव बोलती है ना जल पियेंगे जल क्या पियेंगे, जल पियेंगे। खतरनाक वाले रास्ते से जा रहे हैं, पूरा इधर से आ जा, ये फ्लैट है,
मौसम बहुत सही पानी है, सीरियसली सही में। हाँ हाँ पानी अच्छा है और चलता हुआ पानी पी सकते हैं, बात ये है। ये थी जी हमारी आधे घंटे की जिंदगी, क्या ही बढ़िया लग रहा है। चलो चलाओ ना नैनो से बान रे नन ले लोगे नन रे, क्या बात है। थोड़ा मौसम अच्छा हुआ, धूप में चलाते चलाते लग गई थी हमारी, अब थोड़ी छाया हुई है तो चलाने में आ रहा है मज़ा। और यहाँ से है कुछ 40 मिनट का रास्ता, मतलब हमारे पास थोड़ी बहुत जितनी बैटरी बची है उसमें हम आपको थोड़ी सी वादियाँ दिखा सकते हैं, बाकी तो हम चार्ज करेंगे घर पर जाके। अच्छा ये कौन सी जगह है? दरकुंड। ओके दरकुंड, ओहो कारकुंड, अब ठीक है बाय बाय कर दो, इधर बाय बाय कर दो कैमरे पे, बाय आई लव यू बोल दो, आई लव यू, आई लव क्या है जी। हम पहुंच तो गए आर्यन वैली, हमारे को ना वो जो पुल दिख रहा है पीछे से, वैसे मेरे हाथ फुल है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, वो पुल पार करना है। बाइकें वहां तक जा नहीं सकती क्योंकि ये सीढ़ियां वीढ़ियां उतर के फिर पुल पार करके नहीं, हमारा सामान वहां पहुंच जाएगा। ये है जी हमारे पुल की हवाओं का असर, वो लकड़ी का पुल है जी, ये ना हवा में हिल रहा है भाई। पहुंच गए हैं, दैट्स इट। अच्छा कावा पिएगी, चाय पिएगी, चाय। ओके ओके, और किसी को चाय चाहिए? चाय कावा बोलो बाबा, किसको चाहिए कावा? बाबा आया तुम्हारा बाबा, पिलाएगा तुमको कावा। दोस्तों तो इस वादियों के मूवमेंट पे ये दूसरा टेक है और हम रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं आप लोगों को चीयर्स करवाने का कि इन वादियों में आके अगर हमने चीयर्स नहीं किया तो लानत है। तो मैंने आपसे पूछा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? आई लव यू टू, आई लव यू टू जी। चीयर्स चीयर्स, वाह क्या स्वाद आया यार, चीयर्स। बस हरामी आप क्या सबको दिखाएगा, क्या नंबर भी दिखा दे, कोड नंबर क्या लिखा हुआ है इस पे। ओके ये है गॉड फादर बियर पैन, गॉड फादर है क्या भाईसा, आज नहीं रुकेगा, आज इन सब पहाड़ों के हम शहंशाह। कौन है हम? गॉड फादर, सत्य तो गॉड फादर।